हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर से संबंधित है। इन दोनों ने एक आपस में एमओयू साइन किया है। तो यदि आप जानना चाहते हैं क्या है ये एमओयू और किस तरह से ये एमओयू आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए लाभकारी होगा, जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए एमओयू बहुत ही लाभकारी होने वाला है। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने एक एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समेकित चिकित्सा में अनुसंधान सहयोग आयुष चिकित्सा प्रणाली को वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करने की दिशा में आगे की ओर एक कदम है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का कहना है। उसी तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का यह कहना है कि दोनों प्रणालियों के बीच ये समझौता ज्ञापन पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को एक उत्कृष्ट स्थान का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा। आइए देखते हैं पूरी क्या बात है ये। आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, के बीच एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहयोग आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए साक्ष्य का सृजन करने के लिए उच्च प्रभाव अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में राष्ट्रीय महत्व के चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समझौता आयुष शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ बनाएगा। इस समझौता ज्ञापन पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और आईसीएमआर के महानिदेशक तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय आयुष एवं बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण, आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री पी के पाठक, दोनों मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यह हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मानव जाति के लाभ के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों के लाभों का समेकित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। आज आईसीएमआर के संयोग के माध्यम से आयुष और स्वास्थ्य दोनों ही मंत्रालयों ने इस दिशा में एक बहुत दूरगामी कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के समकक्ष वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित करने की एक बड़ी चुनौती है। समेकित चिकित्सा के अनुसंधान सहयोग इस चुनौती का समाधान प्रदान करने और लोगों का विश्वास जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस घनिष्ठ सहयोग से व्यापक स्तर पर आम लोगों बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, आयुर्वेद हमारी सदियों पुरानी ज्ञान प्रणाली है, हमारी धरोहर है। आधुनिक चिकित्सा ने आज अपने एक उत्कृष्ट स्थान का निर्माण किया है। दोनों प्रणालियों के बीच यह समझौता ज्ञापन पारंपरिक ज्ञान को एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा। इस एमओयू के माध्यम से हम आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित विज्ञान के रूप में और अधिक विकसित कर सकेंगे। यह समझौता ज्ञापन औषधियों की आयुष प्रणाली को और समृद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित अनुसंधान के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। नए एम्स में वर्तमान में आयुष विभागों की प्रणाली को विस्तारित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान में केवल सेवा विभाग के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसे शैक्षणिक अनुसंधान पर फोकस के साथ समेकित चिकित्सा विभाग बना दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात जो इन्होंने कही है। यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से सहवित्त पोषण के साथ सभी एम्स में समेकित स्वास्थ्य के में आयुष आईसीएमआर उन्नत अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करने में समकक्ष सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर काम करने की संभावना की खोज करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के रोगों का दूर करने के लिए पहल करेंगे और व्यापक स्वीकृति के लिए साक्ष्य सज्जित करने के लिए
आयुष प्रणाली की आशाजनक चिकित्साओं के साथ राष्ट्रीय महत्व के चिन्हित क्षेत्रों या रोग स्थितियों पर संयुक्त रूप पर उच्च गुणवत्तापूर्ण नैदानिक परीक्षण का संचालन करने की संभावना की ओर खोज करेंगे। यह समझौता ज्ञापन ICMR DHR द्वारा मानव सहभागियों को शामिल करते हुए जैव चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देशों में समेकित चिकित्सा पर अनुसंधान के समावेश की संभावना पर गौर करने की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि सहयोग की आगे की संभावना की खोज करने के लिए तथा डेरिवेटिव्स पर काम करने, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं कार्यक्रमों को तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने पर काम करने की त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगा और गतिविधियों के संयुक्त पर्यवेक्षण की अनुमति देगा। इस समझौता ज्ञापन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अनुसंधान क्षमता के निर्माण में संबंधित है, जिसकी अगुवाई आयुष अनुसंधानकर्ताओं के लिए ICMR द्वारा किया जाएगा। यह एक पाठ्यक्रम विकसित करेगा, प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास एवं को वितरण को सुगम बनाएगा। आयुष मंत्रालय और ICMR समेकित स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में इच्छुक शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से सम्मेलन, कार्यशालाओं, संगोष्ठी के रूपरेखा तैयार करेगा और इनका संचालन भी करेगा। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए केंद्रीय आयुष एवं बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के संयुक्त अध्यक्षता में आज 5वीं अंतर मंत्रालयी समन्वय बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में तालमेल और सहयोग से सहमति संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और दोनों मंत्रालयों ने कई महत्वपूर्ण मामलों पर सहमति जताई है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना, पूरा आर्टिकल देख चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि आने वाले समय में आयुष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।